वेलकम टू द एग्जामगढ़। दोस्तों आप सभी का एग्जामगढ़ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको हमारे इस चैनल में करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, यूपीजी के हिंदी और साइंस से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 2018 में हुई सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें टॉप 100 नियुक्तियों को हम कवर करेंगे, जितनी भी आपकी जनवरी 2019 के तक जब हुई हैं उनके सब के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहेगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और कॉपी में भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में हमने कवर किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2018 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? तो दोस्तों तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में बी राधाकृष्णन ने पदभार संभाला है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस छागरी प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। 27 दिसंबर 2018 को साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड SECL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 27 दिसंबर 2018 को साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अंबिका प्रसाद पांडा बने। 28 दिसंबर 2018 को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कुरियर डिलीवरी दिग्गज फेडेक्स एक्सप्रेस के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया था? तो दोस्तों 28 दिसंबर 2018 को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कुरियर डिलीवरी दिग्गज फेडेक्स एक्सप्रेस के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश सुब्रमण्यम बने। 26 दिसंबर 2018 को एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो दोस्तों एयर मार्शल राजीव सचदेवा 26 दिसंबर 2018 को एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। 26 दिसंबर 2018 को भारत के मुक्केबाजी कोच के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों CA कटप्पा ने 26 दिसंबर 2018 को भारत के मुक्केबाजी कोच के रूप में पदभार संभाला है। 24 दिसंबर 2018 को किसने टाटा कॉफी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों टाटा कॉफी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चैको पुराकल थॉमस बने हैं। पीवी भारती को 24 दिसंबर 2018 को किस बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो दोस्तों पीवी भारती को कॉरपोरेशन बैंक की निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन 24 दिसंबर 2018 को सदस्य के रूप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में शामिल हुई है? तो दोस्तों संगीता वर्मा 24 दिसंबर 2018 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI में शामिल हुई है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों BVP राव को आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भूपेश बघेल को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बने हैं शेखर मांडे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों प्रणब कुमार दास CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं।
21 दिसंबर 2018 को लिंक्डइन द्वारा भारत के लिए राष्ट्र प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों महेश नारायण को 21 दिसंबर 2018 को लिंक्डइन द्वारा भारत के लिए राष्ट्र प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। 21 दिसंबर 2018 को दक्षिण एशियाई फेंसिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों दक्षिण एशियाई फेंसिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में राजीव मेहता को नियुक्त किया गया। इन्फोसिस के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं? तो दोस्तों 1 मार्च 2019 से इन्फोसिस के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO निलंजन रॉय बने हैं। 20 दिसंबर 2018 को किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच WV रमन बने। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत कौन है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए एम्बेसडर हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। 1 जनवरी 2019 को कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? तो दोस्तों प्रणब कुमार दास CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं। 18 दिसंबर 2018 को किसे कैप जेमिनी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों श्रीनिवास कांडुला को कैप जेमिनी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 18 दिसंबर 2018 को किसे कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा CBI के लिए अतिरिक्त निदेशक पद के लिए पदोन्नत किया गया? तो दोस्तों CBI के अतिरिक्त निदेशक पद के लिए M नागेश्वर राय को नियुक्त किया गया। वर्ष 2018-19 के लिए कौन फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के उपाध्यक्ष बने? तो दोस्तों फिक्की के उपाध्यक्ष उदय शंकर को बनाया गया। 17 दिसंबर 2018 को किसे भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों माधवी दीवान को भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। 16 दिसंबर 2018 को देश के राष्ट्रपति द्वारा किसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के कार्यालय में बहाल किया गया? तो दोस्तों श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रम सिंघे को बहाल किया गया है। स्विफ्ट इंडिया ने किसको अपने बोर्ड की नई अध्यक्ष नियुक्त किया? तो दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य को स्विफ्ट इंडिया ने अपने बोर्ड की नई अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किसको फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष रूप में नामित किया? तो दोस्तों ब्रजिंद्र पाल सिंह को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। 14 दिसंबर 2018 को किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के सचिव के रूप में पदभार संभाला? तो दोस्तों अशोक कुमार सिंह ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। 11 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो दोस्तों अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। और दोस्तों डिप्टी सीएम की बात की जाए तो सचिन पायलट राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं। 14 दिसंबर 2018 को किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक के रूप में रामफल पंवार को नियुक्त किया गया। कौन संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य बने हैं? दोस्तों भरत भूषण व्यास UPSC के सदस्य बने हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों कमलनाथ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। के चंद्रशेखर राव ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। श्री जोरमथंगा 15 दिसंबर को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों जोरमथंगा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण मुंबई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तरुण अग्रवाल को प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण मुंबई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षक की समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों राजीव महर्षि संयुक्त राष्ट्र की लेखा परीक्षकों की समिति के उपाध्यक्ष बने हैं। आशा कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको अंत तक देखिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपनी डिजिटल ऐप योनो को ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया? तो दोस्तों स्वप्ना बर्मन को SBI ने अपनी डिजिटल ऐप योनो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों अतुल सहाय न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। 7 दिसंबर 2018 को किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। 6 दिसंबर 2018 को आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की CESCR पर संयुक्त राष्ट्र की समिति पर एशिया प्रांत सीट के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों प्रीति सरण को आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों CESCR पर संयुक्त राष्ट्र की समिति एशिया प्रशांत सीट के लिए चुना गया है। दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अतुल सहाय को न्यू इंडिया इंश्योरेंस का CMD नियुक्त किया गया है। किस संगठन ने 3 दिसंबर 2018 को जान रिजान को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने जॉन रिजान को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। 3 दिसंबर 2018 को किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अजय नारायण झा को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF की जज समिति के 7 सदस्यों में से चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों पवन सिंह इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के जज समिति में 7 सदस्यों में से चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों AS राजीव को महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अरविंद सक्सेना संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष बने हैं। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो दोस्तों भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोरा हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों रानिंदर सिंह को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। 30 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT द्वारा किसे गंगा नदी के कायाकल्प कार्य की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों जस्टिस UC धयानी को NGT द्वारा गंगा नदी के कायाकल्प की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त किया गया था। कौन सा देश अपनी सेना के प्रमुख के रूप में महिला को नियुक्त करने वाला एकमात्र नाटो देश बन गया? तो दोस्तों स्लोवानिया एकमात्र नाटो देश है जिसने अपनी सेना के प्रमुख के रूप में महिला को नियुक्त किया है। 28 नवंबर 2018 को NSDC के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों AM नायक NSDC के अध्यक्ष बने। हॉस्पिटलिटी फर्म ओयो ने किसको अपने नए रियल एस्टेट कारोबार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? दोस्तों ओयो ने रोहित कपूर को अपने नए रियल एस्टेट कारोबार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। 26 नवंबर 2018 को किसे नई प्रत्यक्ष कर कानून कार्यबल के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों अखिलेश रंजन को प्रत्यक्ष कर कानून कार्यबल के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। 26 नवंबर 2018 को किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नागेश्वर राव गुंटूर को AERB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया? तो दोस्तों सुनील अरोड़ा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है।
किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली यूथ एडवोकेट नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नाहिद अफ्रीन को यूनिसेफ द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली यूथ एडवोकेट नियुक्त किया गया। अंतरदेशी जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों जलज श्रीवास्तव अंतरदेशी जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। 22 नवंबर 2018 को अपोलो टायर्स के नए ब्रांड अम्बेसडर कौन बने? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर अपोलो टायर्स के नए ब्रांड अम्बेसडर बने हैं। 22 नवंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी प्रमुख कौन बने? तो दोस्तों जॉयस मसुया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नए कार्यकारी प्रमुख बने हैं। नवंबर 2018 को स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस के प्रबंध निदेशक कौन बने? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ राठ बने हैं। 21 नवंबर 2018 को अभिजीत बोस ने को भारत के प्रमुख के रूप में नामित किया। तो दोस्तों व्हाट्सएप ने अभिजीत बोस को भारत के प्रमुख के रूप में नामित किया। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों मिली बॉबी ब्राउन को 21 नवंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र बाल निधि सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया गया है। नवंबर 2018 में कौन इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए? तो दोस्तों किम जोंग यांग इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए हैं। किस राज्य ने डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित को अपने मोटापा विरोधी अभियान 2018 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित को अपने मोटापा विरोधी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 18 नवंबर 2018 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पूर्णकालिक प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख संजय कुमार मिश्रा बने हैं। 19 नवंबर 2018 को कौन भारत के अंतरदेशी जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों जलज श्रीवास्तव अंतरदेशी जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों अजय भूषण पांडे को नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर बने हैं। न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही 17 नवंबर 2018 को कहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों अमरेश्वर प्रताप शाही ने पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। 16 नवंबर 2018 को पश्चिम बंगाल के लोकायुक्त कौन बने? तो दोस्तों असीम कुमार रॉय पश्चिम बंगाल के लोकायुक्त बने हैं। यूनिसेफ इंडिया के युवा राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हीमा दास को यूनिसेफ इंडिया के युवा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति संजय करोल 14 नवंबर 2018 को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? दोस्तों त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल बने हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्तों को ये मिल सके, और जितने भी आप ग्रुप्स वगैरह हों सब में इसको शेयर कर दीजिएगा। 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने DC कोर्ट ऑफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ब्रेट कौना की जगह लेने के लिए किसे नामित किया? तो दोस्तों नियोमी रॉ को ब्रेट कौना की जगह DC कोर्ट ऑफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बनाया गया है। 14 नवंबर 2018 को न्यायमूर्ति SK सेठ किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश SK सेठ बने। 13 नवंबर 2018 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त पोर्टफोलियो किसे दिया गया? तो दोस्तों DV सदानंद गौड़ा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। किसे अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा 1 नवंबर 2018 को एशिया और प्रशांत के लिए मुख्य प्रतिनिधि बनाया गया? तो दोस्तों सिद्धार्थ तिवारी को 1 नवंबर 2018 को एशिया और प्रशांत के लिए मुख्य प्रतिनिधि बनाया गया है। लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा के वर्तमान महासचिव। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रणय कुमार मुसाहारी किस राज्य के लोकायुक्त के पहले अध्यक्ष बने हैं?
तो दोस्तों मेघालय के पहले लोकायुक्त अध्यक्ष प्रणय कुमार मुसाहारी बने हैं। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अशोक कुमार गुप्ता CCI के नए अध्यक्ष बने हैं। मेघालय सरकार ने किसको अपना पुलिस महानिदेशक DGP बनाया है? तो दोस्तों आर चंद्रनाथन को मेघालय सरकार ने अपना पुलिस महानिदेशक बनाया है। गद्दाम धर्मेंद्र को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ईरान में भारत के नए राजदूत गद्दाम धर्मेंद्र बने हैं। न्यायमूर्ति हरीश चंद्र पाटिल किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों न्यायमूर्ति नरेश हरीश चंद्र पाटिल बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किसे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर को इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 नवंबर 2018 को न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन को किस उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन को बनाया गया है। 2 नवंबर 2018 को अतुल कुमार गोयल ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में पदभार संभाला है? तो दोस्तों अतुल कुमार गोयल UCO बैंक के MD और CEO बने। किसे RBL बैंक की सहायक कंपनी स्वाधार फिनसर्व के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विकास मुथो को फिनसर्व के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। 31 अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सीरिया के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों गायर ओ पेडरसन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सीरिया के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। 31 अक्टूबर को किसे भारत तिब्बती सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों SS देसवाल को ITBP के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे और 2 साल तक HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आदित्य पुरी को HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में 2 साल के लिए और नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट किस राज्य उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश विजय कुमार बिष्ट बने हैं। 29 अक्टूबर 2018 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो दोस्तों जस्टिस अजी कुट्टीरा सोमाया बोपन्ना गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 28 अक्टूबर 2018 को ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। 2018 में आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों माइकल डी हिंगिस आयरलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। 27 अक्टूबर 2018 को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन बने? तो दोस्तों न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक बने। किसे भुगतान बैंक ने सतीश कुमार गुप्ता को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है? तो दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने सतीश कुमार गुप्ता को MD और CEO बनाया है। न्यायमूर्ति देवाशीष कार गुप्ता किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवाशीष कार गुप्ता बने हैं। हाल ही में मारुति सुजुकी के नए विपणन अभियान ए डेस्टिनेशन कॉल्ड यू ए फीलिंग कॉल्ड मारुति सुजुकी एरिना को खबरों में देखा जा रहा है, तो रीना चैनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों वरुण धवन रीना चैनल के ब्रांड एम्बेसडर है। 25 अक्टूबर 2018 को किस देश की संसद ने पहली महिला राष्ट्रपति सेहलवर्क जेवड़े को चुना है? तो दोस्तों इथियोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति सेहलवर्क जेवड़े बनी है। 24 अक्टूबर 2018 को म्यांमार में भारत के राजदूत कौन बने? तो दोस्तों सौरभ कुमार म्यांमार में भारत के नए राजदूत बने। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसमें जितने भी महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चंस बन सकते थे, नई नियुक्तियाँ थी, वो सब इस वीडियो में हमने कवर की थी, टॉप 100। तो दोस्तों आप इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके सभी दोस्तों की मदद हो सके। दोस्तों ये LP के लिए खासतौर से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।
जय हिंद दोस्तों।